SBI न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। जहां एक तरफ 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब लोकसभा चुनाव पर सबकी पैनी नजर है। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी थी। MP चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दलों के रिश्तों में आई तल्खी अब सहमत के खेल का रूप लेती नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक दिन पहले तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे थे, जहां उन्होंने CMM के स्टालिन के साथ मंडल के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शिरकत की। अखिलेश यादव चेन्नई में थे तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंच गए। अखिलेश के चेन्नई, जयंत हैदराबाद के दौरे को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन के भीतर एक दूसरे के साथ सहमत का खेल चल रहा है। जयंत चौधरी कभी सपा के साथ खड़े नजर आते हैं तो कभी कांग्रेस के संग। सवाल ये भी है कि आखिर जयंत चौधरी का प्लान क्या है, RLD किसका खेल यहाँ पर बिगाड़ने के लिए सोच रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के साथ सपा के रिश्ते तल्ख हुए, तब जयंत अखिलेश के साथ खड़े नजर आए, अब जयंत अखिलेश से कहीं ज्यादा यहाँ कांग्रेस के नजदीक नजर आ रहे हैं। जब MK स्टालिन ने कांग्रेस को छोड़कर अखिलेश यादव को पूर्व PM VP सिंह की आत्मकद प्रतिमा के नावर में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया तो कांग्रेस कहाँ पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए जयंत चौधरी को उतार दिया। जयंत चौधरी ने राजस्थान के बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस के समर्थन में जनसभाएं की तो ये चर्चा लाजमी है कि आखिर RLD चाहती क्या है, आखिर RLD का यहाँ पर प्लान क्या है और जो छोटे चौधरी हैं यहाँ पर यानी कि RLD प्रमुख जयंत चौधरी, उनके मन में इस वक्त कौन सा ऐसा प्लान यहाँ पर चल रहा है कि वो अपनी पार्टी को अव्वल दर्जे तक पहुँचाना चाहते हैं। कहीं सपा तो कहीं RLD की राहें जुदा तो नहीं यहाँ पर हो रही है। जहाँ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश और जयंत का जो गठबंधन हुआ था वो यहाँ पर भाजपा पर भारी पड़ रहा था, लेकिन क्या अब यहाँ पर जयंत चौधरी अपनी राह अलग करके अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका तो नहीं देने वाले हैं? इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए SBI 9 न्यूज। धन्यवाद।